सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं तुम सबको देना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल्स को ऑन कर लो, क्योंकि हर मंडे वी आर गोइंग टू बर्स्ट अ मिथ। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, मिथ बर्स्टिंग मंडेज बाय बिग मी टू फिट मी। हर मंडे को फिटनेस इंडस्ट्री का एक मिथ उठाएंगे और उसकी बैंड बजाएंगे, बात करेंगे साइंटिफिक रीजंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में। हर वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाली है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है चेस्ट फैट के ऊपर, और मैं तुम्हें एक स्कीम बताने वाला हूँ चेस्ट फैट लूज करने के लिए। ये स्कीम किसी एरे गहरे नत्थू गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। तो गाइस, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होती 25 दिन में ना पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल ना फैट लॉस होता है। सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे कोचेज जो तुम्हें ये क्लेम करते हैं 25 दिन में ये करा देंगे, 25 दिन में 8 किलो लूज करवा देंगे, जाल में नहीं फंसना हमने। अब ये वीडियो को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट होगा मेरी पर्सनल स्टोरी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। मुझे अगर अपने पास्ट में ये चीज़ें पता होती तो मुझे बहुत हेल्प होती। अब ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो यूट्यूब पर तुमने सर्च करा, 2 करोड़ वीडियो में से सेम डाटा मैंने उठा के पेस्ट कर दिया। नहीं, ट्रेनिंग न्यूट्रिशन की बात मैं भी करूँगा, पर मैं थोड़ी अलग वे में करूँगा। पहला पार्ट समझो, साइकोलॉजिकल पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजिकल पार्ट मेरी स्टोरी, उसके बारे में पहले बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम जो उठाएंगे वो है कॉजेज, क्या कॉज है, क्या कॉज है गायनेकोमेस्टिया का, क्या कॉज है तुम्हारे चेस्ट फैट का, दोनों में फ़र्क क्या है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन क्या है चेस्ट फैट का और गायनेकोमेस्टिया का। तो वीडियो को शुरू करते हैं इन डेप्थ। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। गाइस, जब मैं बहुत ही ज़्यादा ओबीस था अपने स्कूल टाइम में, आज से इवन 5 साल पहले तक मैं 135 किलोज़ का था। अगर तुम्हें मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी नहीं पता, यहाँ पे एक कार्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक करो, एक वीडियो पे जाओगे जिसमें मैंने अपनी जर्नी ए टू जेड एक्सप्लेन करी है, फैट लॉस, मसल गेन, जो जो मैंने किया सब कुछ है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो अब जब मैं स्कूल टाइम में था ना, जो भी स्कूल का स्टड लौंडा होता था ना, आते जाते मैं बहुत मोटा था, ऐसे मेरी छाती पे हाथ मार जाता था और मैन बूब्स, हिंदी में इसको कुछ बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं यूज़ कर सकता वो वर्ड, बोल के निकल जाता था। भाई, जो मेरा सेल्फ एस्टीम डाउन होता था, जो मैं डीमोटिवेट होता था, मैं हफ्ता हफ्ता स्कूल नहीं जाता था। और उस टाइम पे ये बात मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे खुद पे ही इतना वो होता था कि यार क्यों है मेरी बॉडी ऐसी सी। बट एक बात आज दिमाग खोल के, कान खोल के सुन लो, तुम किसी से कम नहीं हो। यू डोंट हैव टू डीमोरलाइज योर सेल्फ अगर तुम्हारे चेस्ट में ज़्यादा फैट है। फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें मैटर करती हैं, तुम्हारे एथिक्स मैटर करते हैं, द वे यू ट्रीट पीपल मैटर करता है। जो लोग तुम्हें डाउन पुश करते हैं ना, उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना। तुमने अपना सेल्फ एस्टीम लो नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर तुम्हें लगता है कि यस, तुम अपनी फिजिक पे काम कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, फोड़ सकते हो कुछ, तो भाई लोग साइलेंस में अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें हेल्प करने वाली है, चाहे वो कुछ भी है, पढ़ाई अगर तुम्हें करियर बनाना है, फिटनेस, तुम्हें जिम जाना है, तो काम करो अपने ऊपर। काम नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और मेहनत करो, उन पर फोड़ दो। एंड ट्रस्ट मी, अपना सेल्फ एस्टीम किसी के बोलने की वजह से डाउन कभी भी नहीं करना। अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है, कभी दबना नहीं, अपनी आवाज़ उठाओ उसके लिए, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने इनर सर्कल में बात करो, इवन अपने फैकल्टीज या अपने टीचर्स को ये प्रॉब्लम शेयर करो, दे विल अंडरस्टैंड। अब ये जो स्टड लौंडे थे ना, अब तो चलो कौन स्टड बन गया है कौन नहीं, बॉय तो ये स्टड लौंडे मैसेज करते हैं मुझे आज कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करा दे। सो जब तुम लाइफ में अच्छा कर रहे होगे, तब ये कहेंगे ये तुम्हारा दोस्त था। जब तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे थे, तुम बहुत डाउन थे, तब ये बोलते हैं ऐ फुद्दू। सो गाइस, वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, लोगों का तो परवाह ही ना करो यार, लोगों को छोड़ दो, वो कभी साथ नहीं थे ना कभी साथ होने वाले हैं। अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी फिजिक, अपनी हेल्थ तुम्हें ही फोकस करनी है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसको बहुत ध्यान से समझो।
अब हम बात करते हैं डिटेल में अबाउट द कॉजेस. क्या कॉज है गायनेकोमेस्टिया का, किस वजह से चेस्ट फैट बढ़ता है. अब गायनेकोमेस्टिया और चेस्ट फैट में डिफरेंस क्या है. गायनेकोमेस्टिया बेसिकली एक मेडिकल इशू है. तुम्हारा जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इनबैलेंसेस ग्रो हो जाता है. तुम्हारे निप्पल के नीचे एक लंप बनने लग जाता है. दैट माइट बी पेनफुल. अगर तुम्हें ऐसा कुछ है तो द बेस्ट एडवाइस, हम इसके बाद बात करेंगे क्या हो सकती है उसके लिए, पर अगर तुम्हें गाइनो है तो ट्रस्ट मी उसका मेडिकल सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है. बट अगर तुम्हारा चेस्ट फैट है, तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, एक और रीज़न हो सकता है चेस्ट फैट का जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ पहले, दैट इज़ यू माइट हैव लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कैसे उसको फिक्स करना है, पूरी डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे कार्ड आ जाएगा, उस वीडियो को देखना. टेस्टोस्टेरोन के ऊपर सब कुछ बताया मैंने उसमें. अब अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो, स्क्रीन टाइम 8 से 12 घंटे का है, नींद 4 घंटे की है, घर आके भी काउच पोटैटो बन के बैठे रहते हो, नेटफ्लिक्स देखते रहते हो, इट माइट बी कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होए. और तुम्हारा लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है, तुम्हारी कैलोरी इनटेक अच्छी नहीं है, तो हो सकता है तुम चेस्ट फैट ज़्यादा डिपॉजिट करते हो. अब चेस्ट फैट लोगों के क्यों डिपॉजिट होता है, कई लोगों के बिल्कुल नहीं होता. जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब जब मैं बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, एक सरप्लस में होता हूँ, बहुत मोटा हो जाता हूँ ना, तो भाई मेरे साइड में फैट इकट्ठा होता है, मेरी चेस्ट के ऊपर इतना फैट इकट्ठा नहीं होता, मेरे जेनेटिक्स हैं. अब मेरा ट्राइसेप श्रेडेड रहता है, मेरे काफ श्रेडेड रहते हैं, चाहे मैं जितने मर्जी बॉडी फैट पे चला जाऊं, ये मेरे जेनेटिक्स हैं. अब कई लोग जितना मर्जी डाइट कर लें, इवन 8-9% बॉडी फैट पे भी चल जाते हैं ना, उनके फेस का फैट ही नहीं जाता. और कई लोगों के फैट ही लेग्स पे डिपॉजिट होता है, ऊपर का एरिया श्रेडेड होता है. सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे जेनेटिक्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है. हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम इस पर सिर्फ काम कर सकते हैं. अब वो काम क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. गायनेकोमेस्टिया का सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन है, दैट इज सर्जरी, क्योंकि वो लंप खुद कम नहीं हो सकता, हमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है. बट कंसल्ट योर फिजिशियन, कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट. अगर वो कहता है कि सर्जरी करानी ज़रूरी है तभी करानी है, नहीं तो क्या करना है. अगर चेस्ट फैट है और माइनर गाइनो भी है, तुम सर्जरी नहीं कराना चाहते, तुम्हें क्या करना है. देखो, अगर तुम पतले इंसान हो, बहुत स्किनी हो पर फिर भी तुम्हारी चेस्ट फैट है, या तुम बहुत ही मोटे हो पर वीक हो, स्ट्रांग नहीं हो, जान नहीं है शरीर में और बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमें अपनी बॉडी में मसल ऐड करना है. वी हैव टू ऐड मैक्सिमम मसल पॉसिबल. एक बहुत मोटा इंसान जिसको हम देखते हैं ना और हम बोलते हैं ना मोटा, इसको फैट लॉस करने की ज़रूरत है, हमेशा याद रखना एक मोटा और तकड़ा इंसान, अ ओबीस एंड अ स्ट्रॉन्ग गाय इज ऑलवेज बेटर देन अ वीक एंड अ स्किनी गाय. तो हमेशा कुछ भी हो जाए, तुम्हारा गोल है इज टू ऐड मैक्सिमम मसल टू योर बॉडी. पहले एक बार पेड़ को अच्छे से बिल्ड कर लो, ग्रो कर लो, उसके बाद ट्रिम करेंगे. अब गाइस, फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू ऐड मैक्सिमम मसल. अब तुम्हारी चेस्ट के नीचे जो मसल्स हैं ना, बेसिकली पेक्टोरियल्स मसल बोलते हैं उनको, पेक्स बोलते हैं, तुम्हें एक बहुत अच्छा गुड वर्कआउट रूटीन चाहिए जिससे तुम अपने पेक्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो. अगर तुम खुद वो वर्कआउट कस्टमाइज नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, वहाँ पे मेरी कोचिंग के लिए अप्लाई करो एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट. तो यू नीड अ वेरी गुड वर्कआउट प्लान. तुम्हें अपनी चेस्ट फैट के नीचे जो मसल्स हैं उनको ग्रो करना है. अब ये नहीं है कि जाके बेंच प्रेस लगा रहे हो या क्रॉस केबल्स लगा रहे हो तो तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं. तुम्हारा मसल ग्रो होएगा, तुम्हारी बॉडी की रिकॉम्पोजिशन होने लग जाएगी, शेप चेंज होने लग जाएगी, बट जो बॉडी के ऊपर फैट है ना वो तुम्हारी डाइट से ही कम होने वाला है, वो न्यूट्रिशन के थ्रू ही कम होगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है. अब तुम्हें अपने न्यूट्रिशन में टैप करना है. स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. 400 रेप्स मार लो, 800 रेप्स मार लो, हाई रेप्स मार लो या डेड रेप्स मार लो, कुछ भी मार लो, फैट नहीं जाएगा. मसल बिल्ड हो जाएगा, फैट नहीं जाएगा. फैट कैसे जाएगा, कैलोरी डेफिसिट से. कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है, स्मार्टली. ऐसा नहीं है कि एकदम से 2000 कैलोरीज खा रहे थे अब 800 कैलोरीज खा रहे हो. उससे पता क्या दिक्कत होगी, जब तुम एग्रेसिव डाइटिंग करते हो तुम्हारी बॉडी में जो पहले से मसल है ना वो भी चला जाता है और उसके बाद तुम्हारा फैट और गंदा लगने लग जाता है. बेसिकली तुम्हारा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, नीचे गिर जाता है.
तो जो हम पहले मसल ऐड करेंगे ना, उससे हमारा BMR ऊपर चल जाएगा। अब BMR क्या होता है, अगर मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं पूरा दिन बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, तो मेरी बॉडी एक्स नंबर ऑफ कैलोरीज, हम उसको एजम्पशन लगा लेते हैं 2000 कैलोरीज बर्न कर रही है। पर अगर मेरे पास अच्छा मसल होगा, इट माइट बी मैं 2600 या 3000 कैलोरीज तक रेस्ट पे बिना कुछ करे बर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और फैट एक डेड टिश्यू है। फैट बेसिकली तुम्हारा स्टोर्ड एनर्जी है, जब भी तुम्हें लोड पड़ेगी, जिंदगी में ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी उसको तोड़ के खाने लग जाएगी। सो दिस वॉज द वीडियो। अब इसका एक समराइज करता हूँ, अपने आप की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उन पे काम करो। जिंदगी में फोड़ना है हमने, ठीक है ना यार, ऐसे नहीं गम में नहीं रहना, मेहनत करनी है अपने ऊपर। स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर प्रॉब्लम्स, वर्क ऑन देम। सेकेंड थिंग, वेट लिफ्टिंग करनी है, चाहे हफ्ते में 3 बार चाहे 4 बार लिफ्टिंग करनी है। लिफ्टिंग नहीं छोड़नी, अपने पेक्स को और अपनी ओवरऑल बॉडी को, इवन योर लेग्स, हर चीज को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, अपनी डाइट्स को फिक्स करो, अपने न्यूट्रिशन को क्लीन अप करो। क्लीन अप का मतलब ये नहीं होता बाहर का खाना खाना छोड़ दो, क्लीन अप का मतलब होता है 80% होल फूड्स खाओ, 20% अपने फेवरेट फूड्स को एंजॉय करो। एंड इन तीन चीज़ों को कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे ना, अगर लॉन्गर टाइम के लिए, 25 दिन के लिए नहीं, लॉन्गर टाइम के लिए, ट्रस्ट मी, फोड़ दोगे लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल होगे, चाहे वो लाइफ है चाहे वो कुछ भी। कंसिस्टेंसी रखनी है, इन तीन चीज़ों के साथ कंसिस्टेंसी रखोगे, चेस्ट फैट से ज़रूर रिड हो जाओगे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, अगली वीडियो किन चीज़ों पे चाहिए, शो योर लव, कमेंट, प्लीज़ कमेंट, क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प करता है वो हमें। एंड अंटिल दैट, सी यू नेक्स्ट टाइम। एक व्लॉग आ रहा है अगला 2 डेज के बाद, सो डू वॉच दैट, दैट इज़ अ फुल फैट बर्निंग वर्कआउट, तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें तभी आएगी अगर तुम नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे। अंटिल दैट, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।